आज तारीख 18 अप्रैल 2020 को बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके अपने YouTube चैनल टिप्स इंडिया पर इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितनी फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? इसका आंसर 0.25 है। आरबीआई की स्थापना 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसी प्रकार से 1 अप्रैल को आरबीआई दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह 1937 तक कोलकाता में था। रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पर सभी बैंकों से के द्वारा आरबीआई को ब्याज पर रुपए दिया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से बनने वाले फैक्ट इस प्रकार से हैं। एशियाई विकास बैंक जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस की राजधानी में है, जिसके अध्यक्ष मात्सुकु असकावा हैं। हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? मून जे इन राष्ट्रपति जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, जिसने अभी हाल ही में संसदीय चुनावों में जीत हासिल की है, दक्षिण कोरिया। बी आंसर राइट, ये हैं मून जे इन जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में संसदीय में हुए चुनावों में जीत हासिल की है, दक्षिण कोरिया। यह दक्षिण कोरिया का मैप है जो कि ऊपर की तरफ उत्तर कोरिया है, बीच में 38 डिग्री समांतर रेखा है जो दोनों को डिवाइड करती है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है तथा दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा शहर भी है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा कोरियाई वोन है। हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने COVID-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? ये वैज्ञानिक गुजरात राज्य के हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की टोटल पॉपुलेशन 6.27 करोड़ है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। चीफ मिनिस्टर इसके विजय रूपानी है। ये मैप में दिखाई देने वाला गुजरात है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है। गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है कोविड वायरस का मुख्य कांटा स्पाइक है दिखने वाला, तथा यह है आरएनए और एनए प्रोटीन वायरस का खोल है। इंसानी कोशिका को पकड़ने वाले सहायक कांटे ये दिखाई देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के इम्पोर्टेंट फैक्ट। कोरोना वायरस या COVID-19, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान से कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी COVID-19 नाम दिया गया। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 का नाम दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएमएफ ने हाल ही में कहा कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने के किस देश के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करता है। वह देश है भारत। आईएमएफ की बेसिक इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। डीसी रिलेट करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके सदस्य देश 189 हैं। अध्यक्ष इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 अप्रैल 2020 में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने निम्नलिखित में से किसको अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है। इसका आंसर है विश्वनाथन आनंद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस की राजधानी में है। इसके अध्यक्ष आंद्रे अजुले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का थीम गेट प्लस इन्वॉल्व है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। इसमें रक्त का थक्का सामान्य रूप से नहीं जमता है, जिससे चोट लगने पर रक्त नियंत्रित बेहतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल माह के बनने वाले सभी महत्वपूर्ण दिवस इस प्रकार से हैं। एक अप्रैल को उत्कल या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व अंतम केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जबकि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर का जिसे कहा जाता है उसके उपलक्ष में 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO, जिसकी स्थापना 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, जिसे संविधान का जनक कहा जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अप्रैल 2020 में केरल सरकार द्वारा राज्य के 14 जिलों में कुल कितने कैंसर उपचार केंद्र स्थापित करने का फैसला किया गया है? 22 केंद्र स्थापित कैंसर उपचार केंद्र स्थापित करने का फैसला किया गया है, जिसका अप्रैल 2020 में केरल सरकार द्वारा राज्य के 14 जिलों में कुल 22 कैंसर उपचार केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया गया है। यह भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसमें कोरोना वायरस के दौरान कैंसर पीड़ितों को अपना इलाज करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा देश भर में फंसे अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को कितनी धनराशि प्रदान करने का फैसला किया है? 3500 रुपये। नेक्स्ट, आज का क्विज क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? यह क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इससे बनने वाले सभी फैक्ट अवश्य दें। थैंक यू दोस्तों।